आपको पता है मैं $3,000 का ट्रैक्टर बेच के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आया था जिसमें हम हारे थे, मैं काफी मायूस था, लेकिन इंडियन पब्लिक ने इतना मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए कि मुझे आज लगा कि मुझे आके इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। बस इसी खातिर थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं 3,000 का ट्रैक्टर बेच के तो आया हूँ मैच देखने बाबर आजम का, ठीक है, लेकिन आज सूर्या ने मेरा दिल खरीद लिया। आई मीन ही प्लेड अमेजिंग, बहुत मजा आया एंड इट वाज अमेजिंग। ट्रैक्टर के पैसे इंडिया ने वसूल करवा दिए। माय नेम इज अनुज, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, राइट टू सी इंडिया विन ऑल द मैचेस। तो आप परफॉर्मेंस ठीक लगी इंडिया की? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, एज ऑलवेज वी डू वेल एंड वी आर गोइंग टू गेट द कप होम दिस टाइम। मैच बहुत अच्छा लगा, इंडिया प्लेड रियली वेल, यूएस इज अ वेरी गुड टीम एंड दे आर नॉट मिनोस एनीमोर, दे आर वेरी कॉम्पिटेटिव, बट इंडिया शोड रियल स्पिरिट, द पिच वाज स्लीपिंग वेरी लो बट द बैट्समैन गॉट सेट, दे हैड लॉट ऑफ पेशेंस एंड इन द एंड दे गेव एंटरटेनमेंट टू द क्राउड ऑल्सो। इंडिया वेरी हैप्पी फॉर इंडिया। और आज स्काई ने सूर्य कुमार ने अपना जलवा दिखा दिया, लेकिन कोहली जी को वन डाउन भेजे क्योंकि हम उनकी बैटिंग देखने के लिए आए हैं, तो शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन एंड बहुत अच्छा था। ऑल थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव एंड वेरी हैप्पी फॉर इंडिया एंड ऑफकोर्स दिस इज यू नो वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आई जस्ट केम हेयर टू सी विराट कोहली एंड आई वॉज विशिंग दैट आज इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी, तो इंडिया जीत के अब हम बहुत खुश हैं। और वो ट्रैक्टर वाले भाई साहब भी आए हुए हैं आज, वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं। मैच बहुत ही बढ़िया था एंड हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। ये पिच जो है वो काफी सबको बताया कि एवरेज स्कोर ये पिच पे जो है 120 भी कितना चैलेंजिंग होता है और हर एक Yes, it was a tough match. That 17th over was painful to watch. We kept it close. It was, I was thinking we were going to do a second Pakistan, but just didn't happen. We're still going to win, my friend. Don't yes, worry. We'll beat the Irish next week and move it on. So, but no, it was exciting. I was shocked on how competitive we were. Our bowlers were outstanding. Obviously, the pitch is iffy, but Is it so satisfying after rugby and baseball? You have a national cricket team now, USA. Oh yes, no. I couldn't believe how happy I am on how competitive we were. I was expecting us to lose all four matches. Which the rugby team has done, and the fact that we have two wins and we're competitive against arguably the greatest team in cricket, India, how can you not be happy with the performance? You should be proud, man. You should be proud. That was It was outstanding. I mean, we got to 18 overs. Thank you so much. You guys should have chased it in 10 hours. I think it's a big victory for our mood. USA. Oh, we love USA and India. Yes. We just missed Kohli's bowling, batting. So that was a little sad part. They played for the first time and they batted. But you think you have a good fight to India? You think so that I think that USA did good fight compared to even better than the Pakistan what they did with India. So I think they played excellent cricket and I'm very happy. But after India, now you have another national team to support. Yes, I was supporting USA all the way. USA and USA going India. I think they're gonna qualify. I think I'm pretty sure. I think they're gonna go to the quarterfinal, at least to semifinal.